हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक गार्डन। तो आज मैं आपसे वडेलिया प्लांट की केयर प्रोपगेशन के बारे में बात करूंगा, और उससे पहले मैं आपको अपने निनवे के प्लांट से निनवे का हार्वेस्ट दिखाऊंगा। तो मैंने निनवे का जो प्लांट लगाया था उसमें सबसे पहला निनवा जो ग्रो किया था वो यहाँ पर किया था, और मैंने आपको उसको तोड़ के दिखाया था, और उसमें तीन निनवे और देखिए बहुत अच्छे अच्छे से ग्रो कर गए हैं। तो अभी ये प्लांट एकदम नया है, बहुत पुराना नहीं है, सबसे उसने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया है अपनी जो, और साथ में मेरे करेले भी ग्रो कर रहे हैं। वॉयला करेला मैंने बीज बनने के लिए छोड़ा था, तो अब वो बीज बन रहा है, उसमें वो येलो हो रहा है, और अब और भी मैं इसमें खाद दूंगा। इसे मैंने पानी नहीं दिया इसलिए पेड़ थोड़ा सा आपको विल्ड दिखाई देगा, बट धीरे धीरे मैं अब इसमें पानी दूंगा तो इसकी पत्तियाँ वापस खड़ी हो जाएंगी, और नए नए करेले भी देखिए हर तरफ लग रहे हैं। तो अब मैं इसको हार्वेस्ट कर लेता हूँ। और इससे पहले जो मैंने एक निनवा तोड़ा था, अभी हम लोगों ने उसको यूज़ नहीं किया है, तो अब ये सारे ही निनवे एक साथ यूज़ हो जाएंगे। और ये वाला भी निनवा देखिए कितनी अच्छी इसकी शेप है, और प्लांट मेरा ऊपर जा रहा है वो, और ये जो पत्तियाँ आप देख रहे हैं सूखी हुई, ये लास्ट ईयर के प्लांट की है। तो ये मेरे निनवे का हार्वेस्ट था। ये दो निनवे इधर है, और एक देखिए ये निनवा बहुत अच्छे साइज़ का हुआ, काफ़ी लंबा हुआ है, तो ये मैंने निनवे काट लिए। और रेन लिली भी अपने सेकंड ब्लूमिंग पे है, इससे पहले इसने जो ब्लूमिंग की थी उसमें बहुत ढेर सारे फ्लावर्स आए थे, मैंने आपको दिखाया भी था, और अब इसमें सेकंड ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। बहुत अच्छा लगता है मुझको ये प्लांट, फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको वेडिलियर प्लांट की केयर के बारे में बताता हूँ। तो ये प्लांट मैं अभी लेके आया हूँ, और ये मुझे 20 रुपीज़ का मिला है, और बहुत दिन से मैं वेडिलियर प्लांट लेना चाह रहा था पर मुझे नहीं मिल पा रहा था, तो फाइनली मुझे मिल गया है। तो अगर सबसे पहले इसकी मिट्टी के बारे में बात करें तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, किसी भी तरह की मिट्टी में बहुत इजी लग जाता है। अगर आपके यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी नहीं है और तब भी आपके प्लांट लग जाएगा, और आप अच्छी मिट्टी लगाएंगे तो ऑफकोर्स तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा ही। तो सबसे अच्छा जो मैं मिक्सचर बताता हूँ वो एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा गोबर की खाद, और उसमें आप जैसे नीम खली, बोन मील और ये सब भी ऐड कर सकते हैं, पर जो बेसिक उसका मेन चीज़ है वो है मिट्टी और गोबर की खाद। अगर आपके पास गोबर की खाद ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, और नहीं तो अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट भी ना हो तो आप खाली मिट्टी में भी लगा देंगे तो ये प्लांट अच्छे से चले, मतलब प्लांट ग्रो करेगा। बट कोशिश कीजिएगा कि आप कोई ना कोई खाद तो यूज़ करिए, चाहे वर्मी कंपोस्ट चाहे गोबर की खाद। तो गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट दोनों इक्वल क्वांटिटी, सॉरी गोबर की खाद और मिट्टी दोनों इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके आप उसमें मेरी प्लांट लगाइए, आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। पानी के रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें तो इस प्लांट को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब इस प्लांट में की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर रहे, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए। अगर आपका प्लांट एक दिन के लिए भी पानी के बिना सूख गया थोड़ा सा, मतलब मिट्टी ज़्यादा सूख गई, तो आपके प्लांट की पत्तियाँ ऐसी पीली हो जाएंगी जैसे मेरे प्लांट देखिए हो गई हैं, और फिर ड्राई होके इस तरीके से ख़राब हो जाएंगी। पर आपका प्लांट नहीं मरेगा, आपका प्लांट पानी देने के बाद फिर ग्रो कर जाएगा, बट जो आपका वो बुश और एक खूबसूरत सी उसकी वो बनी होगी पूरी, वो ख़राब होके फिर नई आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसकी मिट्टी में हर टाइम मॉइस्चर मेंटेन रहे, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा। लाइट की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें तो ये किसी भी तरीके की लाइट के उसमें ग्रो कर जाएगा। अगर आप इसको पार्शियल शेड में रखेंगे, फुल सन में रखेंगे, सॉरी पार्शियल शेड में रखेंगे और फुल सन में रखेंगे, दोनों ही कंडीशन में ये बहुत ईजिली से ग्रो कर जाएगा। और अगर आपने गमले में लगाया है तो बेटर है कि आप इसको फुल सन में मत रखिए, बिकॉज इसमें आपको बताया इसमें पानी बहुत ही सूखता है। तो आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसको आधे दिन की धूप मिले, या फिर सुबह की धूप मिले या शाम की धूप मिले। और अगर आपने इसको ज़मीन में लगाया हुआ है तो फिर आप और इसको फुल डे सन में रखेंगे, तब भी ये ईजिली ग्रो कर जाएगा। फ्रेंड्स, आप इसको शेड में भी रख सकते हैं, पर शेड में अगर आप रखेंगे तो फ्लावर्स थोड़े से कम खिलेंगे इसमें, और ग्रीन फोलेज ज़्यादा इसका बढ़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्लावर्स में भी ढेर सारे आएँ तो आप इसको कोशिश करिएगा कि धूप में रखिएगा। तो ये इसकी लाइट, वाटर और सॉइल की रिक्वायरमेंट्स थी। फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये बिना फर्टिलाइज़र के भी बहुत ईजी और अच्छे से ग्रो करता रहेगा, बट जो कि इसमें फ्लावर्स काफ़ी सारे आते हैं तो वो फ्लावर्स आते रहें, अच्छे से ब्लूम मतलब खिलता रहे, बहुत सारे फ्लावर्स आते रहें, तो उसके लिए आप इसमें हर 10 दिन पर या 15 दिन पर लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। और इसके जो एक ब्लूम है रहता है वो काफ़ी दिन तक रहता है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि एक दिन ब्लूम आया और फिर वो अगले दिन स्पेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे गुड़हल्स में होता है वैसे इसमें नहीं होता, इसमें जो फ्लावर है काफ़ी दिन तक रहता है। और प्रोपेगेशन के बारे में अगर बात करें तो ये कटिंग के थ्रू बहुत ईजी लग जाता है। जैसे अगर आप देख रहे हैं आप ही जो इसकी काफ़ी लगी सी ग्रोथ हो गई है, तो अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ और इतना सा मिट्टी में लगा दूँ तो इसकी ग्रोथ वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी रूट्स की, और ये एक नई कटिंग तैयार हो जाएगी जो बहुत ही ईजली और आसानी से लग जाएगी। तो इसका प्रोपिगेशन की ऐसे होता है, और फर्टिलाइज़र, लाइट और सॉइल के बारे में आपको बता दिया।
और बस, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं होता। इस प्लांट को आप लगाइए, एंजॉय कीजिए, और ये हैंगिंग बास्केट्स के लिए भी बहुत अच्छा है और ग्राउंड कवर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।